हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक जो लिखी गई है बिजनेस के ऊपर। एक ऐसी किताब जो आपको ये सिखाती है कि बिजनेस करना कैसे है और कैसे आपको अपने बिजनेस को अच्छे से रन करके आप कामयाबी पा सकते हैं। देखिए, किताब जो है ना वो छोटे और मध्यम बिजनेस करने वालों को बहुत ही आसानी से बताएगा कि कैसे उन्हें बिजनेस रन करना है और अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है। आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में गोल सेट कर सकते हैं और उसे हासिल भी कर सकते हैं। यह बुक की समरी एक सफल बिजनेस खड़ा करने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। अब ये बुक की समरी सुननी किसको चाहिए? देखिए, ये बुक की समरी उन सब लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है, या फिर वो जो एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाह रहे हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उनको असफलताएं मिल रही हैं, तो ये किताब उनको जरूर सुननी चाहिए। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि अगर लाइफ में आपको करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, तो आप खाली जॉब करके अमीर नहीं बन सकते। डेफिनेटली आपको खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप खुद का बिजनेस करें जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं पूरी आज़ादी के साथ, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है आप उसके स्टॉक्स उसके शेयर्स खरीद के उसमें पैसा लगा सकते हैं, आप उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट जो कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो अमीर बनने का तरीका है, वो यही दो तरीकों से जाता है, यही दो रास्ते हैं आपके सामने। पहला, आप बिजनेस करें खुद का और उसमें प्रॉफिट कमाएं। देखिए, रिस्क तो दोनों जगह है। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है प्रॉफिट कम मिलेगा। अगर आप कोई नई कंपनी में पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली उसमें रिस्क ज़्यादा है, और आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी रिस्क है। तो जहाँ पे रिस्क है दोस्तों, वहीं पर इश्क है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और वैसे भी आप जो अभी जॉब कर रहे हैं उससे बड़ा रिस्क और क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोगों की मैंटेलिटी यही रहती है कि हम एक सिक्योर जॉब चाहते हैं, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, हम हमेशा सेफ गेम खेलना चाहते हैं, और इसी सेफ गेम खेलने के चक्कर में हम जो है हमेशा पीछे रह जाते हैं और हम कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते जिसके हम हमेशा सपने देखा करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के लेखक हैं स्टीफन लिंच, जो कि एक बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं और बॉडी बिल्डर के साथ साथ ये डीजे भी हैं। वे दवाइयों की कंपनी के सेल्स मैनेजर भी रह चुके हैं। वे Rizal.com के फाउंडर भी हैं, जिसमें से वे छोटे और मीडियम साइज फर्म्स को बढ़ने में मदद करते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि किताब की समरी आपको सुननी क्यों चाहिए? देखिए, आपने अक्सर बड़े बड़े गोल सेट किए होंगे आपके लाइफ में, जैसे कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना, या फिर किसी कंपनी के लिए नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, लेकिन क्या आपने उसे सपने को कभी पूरा होते हुए देखा है? बहुत कम लोग होते हैं जो कि कड़ी मेहनत के बाद अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस अपने शुरू के 4 से 5 साल के अंदर ही डूब जाते हैं, और तो और बहुत से बिजनेस जो प्रोफेशनल्स रन करते हैं उनकी मेहनत के बाद भी वो डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सही से प्लानिंग नहीं कर पाते। यह किताब आपको गोल सेटिंग करना और उसकी मदद से अपने बिजनेस को कामयाब बनाना सिखाती है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए इस किताब की समरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको लेखक ने बताया है वो है, अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आपको पहले एक गोल सेट करना होगा। जेरी आई पोरस और जिम कॉलिंस ने अपनी किताब में बिल टू लास्ट में एक BHAG भाग के बारे में बताया है, जिसके हिसाब से किसी भी गोल के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। पहली, वे बड़े होने चाहिए। दूसरा, उसे होने में कई साल लगना चाहिए। तीसरा, वो सुनने में थोड़ा ख्याली और असंभव जैसा लगना चाहिए। चौथा, उसे आसानी से ना पाना जा सके। सेम वॉल्टन, जो वॉलमार्ट के फाउंडर थे, उन्होंने एक बड़ा ही अजीब गोल सेट किया था। वो चाहते थे कि उनकी छोटी सी वैरायटी स्टोर न्यूपोर्ट अरकांसास में सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाली स्टोर हो जाए। हालांकि वे सिर्फ टी शर्ट बेचते थे, इसलिए यह काफ़ी बड़ा गोल था जिसे पाना बिल्कुल भी आसान ना था। लेकिन 1948 तक वे अरकांसास में सबसे ज़्यादा फायदा कमाने वाले स्टोर बन चुके थे, और फिर उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे गोल सेट करना चालू कर दिया। 2002 तक उन्होंने वॉलमार्ट को इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 1934 में वॉल्ट डिज्नी ने
सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई। हालांकि उस समय सिर्फ छोटी एनिमेटेड मूवी ही बनाना संभव था, लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट को भी उन्होंने पूरा कर दिखाया। आप भी सेम वॉल्टन की तरह भाग के हिसाब से अपने गोल को सेट करके उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपने गोल को पूरा करने की कसम खाइए और उससे कभी भी मत भटकिए। अगर आपको कोई भी काम पूरा करवाना हो तो सिर्फ ऐसे लोगों को काम पर मत रखिए जिन्हें वो काम करना आता हो, बल्कि ऐसे लोगों को काम पर रखिए जो उस काम के साथ उतने ही जुड़े हों जितने कि आप जुड़े हो। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी टीम के लोगों को भी अपने मकसद से लगा होना चाहिए। जो मकसद आपका है वही सेम मकसद उनका भी होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए भी एक मकसद चाहिए। यही मकसद आपको रास्ते पर रखने का काम करता है और यही वजह आपके बिजनेस का कोर पर्पस कहलाता है। आपके बिजनेस का कोर पर्पस आपको अपने गोल को पाने का मोटिवेशन देता है। ISR ने अपने रिसर्च में बताया था कि जिस भी टीम के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं वे ज्यादा कामयाब होते हैं। कोर पर्पस की तरह ही कोर वैल्यू भी बहुत जरूरी है। इन कोर वैल्यू की मदद से आप अपने सही कर्मचारियों को खोज पाएंगे। सिर्फ उन लोगों को काम पे रखिए जिनके कोर वैल्यू आपसे मिलते हों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आपके कोर वैल्यू हो सकते हैं कि आप अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाना चाहते हैं। एकदम ताजी सब्जियों से बनी अच्छी क्वालिटी का खाना आप अपने कस्टमर्स को खिलाना चाहते हैं। इस तरह का मकसद रखने से आप सही कर्मचारियों के साथ ही सही ग्राहकों को भी आकर्षित कर पाएंगे। इससे आपके काम सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि क्वालिटी पसंद करते हों। इससे आप सिर्फ उन कर्मचारियों को भी खोज पाएंगे जो कि आपके मकसद में भरोसा करते हों। अगर किसी कर्मचारी का ये मानना है कि आपको सस्ता खाना लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि हर कोई उसे खरीद सके, तो आप इस तरह के कर्मचारियों को काम से निकाल सकते हैं क्योंकि वह आपके मिशन से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि सही फैसले लेने के लिए सही मौकों की तलाश कीजिए। देखिए, बिजनेस में बहुत बार हम खुद से ही एक गोल सेट कर लेते हैं और फिर उस पर जी जान से काम करने लगते हैं। हम बहुत मेहनत करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमें पता लगता है कि हम जो बेच रहे हैं वो किसी को चाहिए ही नहीं। इस तरह के हालात इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमने अपने बिजनेस की शुरुआत में एक ऐसा फैसला ले लिया जो कि बिल्कुल सही नहीं था। सही फैसले लेने के लिए सबसे पहले आपको सही जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पेस्ट यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपको इन शब्दों को सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल बातें। देखिए, इसमें आप अपने आने वाले राजनीतिक मौके को ढूंढें जो इस समय में और आपके भविष्य में काम आ सके, जैसे कि सेम वॉल्टन ने 1960 में किया। उन्होंने देखा कि अमेरिका की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जा रही है। सरकार ने पहले से ही रोड बनाने का काम शुरू करवा दिया था जिससे कि सामान लाने जाने में आसानी होती थी। फिर इसी मौके का फायदा उठाकर सेम वॉल्टन ने कई जगहों पर अपने स्टोर खोलना शुरू कर दिए। दूसरा आता है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। आपको इकोनॉमिक बदलाव का भी फायदा लेना आना चाहिए। फिर से हम ये बात सेम वॉल्टन से ही सीखते हैं। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए इकोनॉमिकल नुकसान में नए बिजनेस को शुरू करने का अवसर ढूंढा और सफल भी हुए। तीसरा है सोशल फैक्ट्स। यहाँ आपको अपने ग्राहकों, कर्मचारियों को और अपने लोगों को समझना होगा, जैसे कि आपके ग्राहकों की औसत उम्र कितनी है, वे कहाँ पर रहते हैं, वे साल में कितना कितना कमाते हैं, वे किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वॉल्टन जब शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के पास छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बच्चों से संबंधित कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लाए और कामयाब हो गए। चौथा है टेक्नोलॉजी में बदलाव। आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस पर कैसे असर डाल सकती है और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है जिस वजह से बहुत सी कंपनियों के काम करने के तरीके में काफी बड़ा बदलाव आ गया है। आप जितनी जल्दी इसका फायदा उठा पाएंगे उतने ही ज्यादा देर तक आप कामयाब रह पाएंगे और उतनी जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कामयाब बिजनेस कभी भी अपने गोल से नहीं भटकते। अपने बिजनेस को एक अलग पहचान देने के लिए आपके पास इन तीन में से कम एक वैल्यू डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं वो है क्या। पहला, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जिसमें आपका प्रोडक्ट
कम दाम में बिकता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि कम पैसों में अपना घर चलाना चाहते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट लीडरशिप, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा होता है। ऐसे में आपके ग्राहक वो लोग होते हैं जो कि क्वालिटी पर फोकस करते हैं और उसके लिए ज़्यादा पैसा देने से भी पीछे नहीं हटते। तीसरा है कस्टमर इंटीमेसी, इसमें आपका प्रोडक्ट जो है आपके ग्राहक की एक खास समस्या को बहुत अच्छे से सुलझा सकता है। तीसरा है कस्टमर इंटीमेसी, इसमें आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहक की एक खास समस्या को बहुत ही अच्छे से सुलझाता है। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू डिसिप्लिन में आपको अपने मकसद के रास्ते पर कामयाब रखने के लिए काफ़ी है। एक बार आपने इन तीनों में से किसी एक वैल्यू डिसिप्लिन को चुन लिया तो आपके लिए चुनना आसान हो जाएगा कि आप कौन से काम करना चाहते हैं और किस काम पे आपको ध्यान देना चाहिए। सेम वॉल्टन ने 1960 के दशक में अपने प्रोडक्ट को सस्ता रखने का रास्ता चुना। एक बार किसी एक डिसिप्लिन को चुन लेने के बाद बाकी के दो आपके लिए उतने जरूरी नहीं रह जाते। इससे आप अपने बिजनेस पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं और अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने गोल को हमेशा ट्रैक करते रहें। क्या आपके बिजनेस का गोल अच्छा है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो आइए इसे आसान बनाते हैं। अपने गोल को ट्रैक करने के लिए आपको नंबर का इस्तेमाल करना होगा। नंबर आपको आसानी से अपने गोल को मापने में और उसे पूरा करने में काफ़ी बड़ी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मकसद है कि साल में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाना, तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इसके लिए साल भर में आपको कितने प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। उसके हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि हर महीने में और हर हफ्ते में आपको कितने प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। इस तरह से आप अपने साल भर के गोल को नाप सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि कब आप उससे पीछे चल रहे हैं और कब आप उससे आगे। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आपके कामयाबी को दिखाती है। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री यह बताती है कि आपने अपना गोल कितना पूरा किया है। इसे ही परफॉर्मेंस इंडिकेटर या KPI कहते हैं। आपको ये देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो कि बताती है कि आप अपने गोल को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों की मदद की, आपने कितने लोगों की लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लाए, आपने कितने लोगों की जान बचाई। यह सब आपका KPI कहलाता है। नेक्स्ट है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने लोगों के साथ मीटिंग्स करते रहिए। अब तक आपको मैंने अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए अच्छी स्ट्रेटजीज बताई, लेकिन भाग को पाने के लिए जो BHAG है, आपको थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा। समय को बर्बाद करना और फोकस ना करना, ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे बचने के लिए आपके पास कुछ तरीके हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप मीटिंग्स करें। देखिए, मीटिंग अपने बिजनेस के गोल स्कोर को चेक करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करती है और सही दिशा दे सकते हैं ताकि आप भटके ना। ज़्यादा मीटिंग्स करना एक बोझ लग सकता है, लेकिन यह बोझ उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़रूरी मीटिंग होती है वो मीटिंग जो कि आप हर 3 महीने पर करते हैं। हर 3 महीने पर अपनी टीम को इकट्ठा करके यह देखिए कि आप अपने गोल को कितना हासिल कर रहे हैं। आपको इसमें यह देखना चाहिए कि आपने पिछले 3 महीने में कितना काम किया है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपना गोल हासिल करने से रोक रही हैं। फिर आप SWOT की मदद ले सकते हैं। SWOT क्या है? S4 स्ट्रेंथ, W4 वीकनेस, O4 अपॉर्चुनिटी एंड T4 थ्रेट्स। इनका एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आप अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हों, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को सही से बेच ना पा रहे हों। ऐसे में आपकी ताकत है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और कमजोरी है आपकी प्रोडक्ट की बिक्री का ना हो पाना। अपनी कमजोरी का पता लग जाने के बाद आप उसे सुधारने के मौके खोज सकते हैं। साथ ही आप यह भी पता कर सकते हैं कि किन चीज़ों से आपको खतरा हो सकता है। यह पता लगा लेने के बाद आप यह पता कर सकते हैं कि अगले 3 महीने में आपको किस तरह से काम करना है। आप नई नई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। आप यह पता कर सकते हैं कि नए मौकों का फायदा कैसे उठाया जाए और अपनी कमजोरियों पर काम कैसे करना है और अपने साल के गोल को कैसे हासिल करना है। इस तरह से आप अपने बिजनेस के गोल को डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस किताब की समरी समाप्त होती है। मैं आपको इसका अगर पूरा निचोड़ बताऊं तो ये किताब हमको ये सिखाती है कि एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो है वो भाग का खोजना होगा। जो BHAG मैंने आपको बताया था उसके बारे में आपको खोजना होगा।
कि आपके बिजनेस में वो डेफिनेटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको सही फैसले लेने के लिए मार्केट से पूरी जानकारी निकालनी होगी। आपको मौके का सही फायदा उठाना आना चाहिए और अपने गोल्स को हमेशा नंबर्स की मदद से सेट कीजिए ताकि आप उसे नाप सकें। हर 3 महीने पे एक बार मीटिंग करें और यह पता करें कि आपके गोल जो आपके हैं आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं कि उससे दूर जा रहे हैं, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है कि आप लॉस में जा रहे हैं। और अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन को दूर करने की कोशिश करनी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये समरी समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समरी आपको कहीं ना कहीं बहुत पसंद आई होगी और आपके लाइफ में आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकती है। दोस्तों जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं आपको उनको कहीं ना कहीं एक जगह नोट कर लेना है और उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अपने बिजनेस में ट्राई करते रहना है। देखिए ट्रायल और एरर जो ये मेथड है ना ये बहुत ही सबसे बेस्ट मेथड होता है। लाइफ में चीज़ों को करने का 2 तरीका है, एक तो वो कि आप खुद गलती करें और उसे सीखें, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और दूसरा वो कि जो बंदा कोई एक्सपीरियंस ले चुका है जिसने वो गलती कर चुकी है हम उनसे सीखें। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो हमेशा दूसरा वाला रास्ता अपनाते हैं। और वो दूसरा रास्ता कहाँ से मिलेगा आपको, हमारे इस चैनल से, जहाँ पे मैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक्स लेके आता हूँ जो बड़े बड़े लेखक ने राइटर्स ने लिखा है ऑथर्स ने लिखा है जो अपने लाइफ में इन सारे एक्सपीरियंस को गेन कर चुके हैं और उन सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ वो इन किताबों में डालते हैं और उन किताबों का निचोड़ मैं ला के आपको देता हूँ। तो आपको करना क्या है, दूसरा वाला रास्ता अपनाना है। बार बार अगर आप खुद की गलती करके सीखेंगे तो लाइफ में लाइफ आपकी बहुत छोटी पड़ जाएगी और आपको उसका बहुत ही ज्यादा हर्जाना भी देना पड़ेगा। अब हर एक चीज हर एक के ऊपर सूट नहीं करती है, आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होगा कि इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो आपसे रिलेट करते हैं, जो आपके लिए सही हैं, जो आपके बिजनेस के लिए सही। तो मिलते हैं फिर अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक समरी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।